नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां गोंडा में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के चौराहे पर छात्र पंचायत के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका है। उस मौके पर छात्र पंचायत के संयोजक शिवम पांडे ने बताया कि बीते कई दिनों से सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं पर स्वामी प्रसाद मौर्य की अभद्र टिप्पणी की जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से उन पर कोई कार्रवाई करने की बजाय उन्हें पुरस्कार के रूप में कभी एमएलसी तो कभी राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा रहा है। इसी वजह से हम सभी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंका है। सुल्तानपुर नगर के मेजरगंज गली में हर बार की तरह इस बार भी गोवर्धन पूजा और भैया दूज का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया है। जहां माताओं ने निराजल व्रत रखा तो दूसरी ओर बहनों ने पूजा कर भाइयों की लंबी उम्र की कामना की है। बताया जा रहा है कि दीपावली के बाद परवा पर्व के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इस त्यौहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है, जिसे आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। भैया दूज की पूजा और छठ को मनाया जाता है, क्या परंपरा है, किस तरह की परंपरा है, यहाँ पे लोग निभाते हैं? दिवाली के बाद से भैया दूज की पूजा होती है, बहुत विशेष इसलिए हो जाता है कि यहीं से महिलाएं पूजा करने के बाद यहाँ की जल ले जाती हैं घर पे और उसको जल पी के छठ पूजा की शुरुआत करती है, इसलिए इस पूजा का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व इसलिए हो जाता है। 200-300 की संख्या में महिलाएँ हर साल यहाँ आती हैं। पूरे सुल्तानपुर में ये ऐसा स्थान है। खास किस दिन पड़ता हो, कब इसकी परंपराओं का निभाया जाता है? दीपावली के बाद और सारी औरतें लड़कियां सब निराजल व्रत रह के इस पूजा को करती हैं और काफ़ी मान्यता है इस पूजा की, और धूमधाम से मनाया जाता है। सब लोग निराजल व्रत के इसकी पूजा पाठ करते हैं, गोवर्धन पूजा के बाद ही पानी होने लगते हैं। ये गोवर्धन पूजा जो है भाइयों की लंबी उम्र के लिए बैठने व्रत करती हैं और उनके सुरक्षा के लिए मंगल कामना करते हैं और भाई को टीका लगाती हैं। आज के दिन भाई को चना खिलाती हैं, बजरी खिलाती हैं। भाइयों की लंबी उम्र के लिए बहनें आज व्रत रख रही हैं और ये अन्नकूट का पूजा जो है 12 बजे तक चलेगा। उसके बाद ही ये गोधन बाबा का पूजा होगा, उसमें गोधन उगाएगा और उसके बाद से बहनें जो हैं महिलाएँ जो हैं जो व्रत रखती हैं उसके बाद से ही महिलाएँ वे व्रत अपना समर्पण करेंगी। अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां भाई बहन के अटूट स्नेह के पर्व भाई दूज को बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस मौके पर बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की और भाइयों ने बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन दिया है। माना जाता है कि इस पर्व का प्रारंभ भगवान सूर्य के पुत्र पुत्री यम यमुना के प्रेम से हुआ है। हमारे देश में मनाए जाने वाले प्रत्येक पर्वों की तरह भाई दूज की भी एक पौराणिक मान्यता है। इस पर्व को लेकर कहा जाता है कि यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है और इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। कानपुर में लोग आस्था के महापर्व छठ की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि 19 से लेकर 21 नवंबर तक छठ का पर्व मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों में शहर के घाटों पर साफ सफाई का काम शुरू हो गया है और शहर के घाटों पर शुरुआत भी इस कार्यक्रम की हो चुकी है। साथ ही नदी और नहर किनारे सजावट की जा रही है और घाटों को बेहद ही सुंदर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने शहर के घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। लोग आस्था का पर्व यानी छठ पूजा आगामी 19 तारीख से स्टार्ट है, जिसको लेकर घाटों पर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इसी को लेकर कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने घाटों का निरीक्षण किया और संबंधित को दिशा निर्देश दिए। अपने सहयोगी के साथ दीपक यादव, प्राइम टीवी कानपुर। अब खबर गोंडा से है, जहां पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज के पर्यवेक्षक में खोए हुए मोबाइलों की जल्दी बरामदगी कर उनके स्वामियों को सुपुर्द करने के निर्देश एसओजी टीम को दिए थे, जिसके परिपेक्ष में सर्विलांस टीम ने खोए हुए मोबाइलों की लगातार ट्रैकिंग की और ट्रेस होने पर एसओजी टीम ने जनपद के कई स्थानों से 60 मोबाइलों को बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय में मोबाइल स्वामियों को बुलाकर मोबाइल उनको सौंप दिए हैं। वही पुलिस अधीक्षक ने खोए हुए मोबाइल को बरामद करने वाली सर्विलांस टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की है।
मोबाइल मिसिंग सेल कार्यरत था अच्छे से। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार साइबर सेल और सर्विलांस सेल दोनों को लगाया गया था। सर्विलांस सेल प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा 100 करीब मोबाइल बरामद किए गए। उनमें कुछ मोबाइल पहले भी उनके स्वामियों को दिए जा चुके थे। आज भैया दूज के दिन करीब 60 जो मोबाइल के जो स्वामी थे उनके खोए हुए मोबाइल उनको वापस दिलाए गए हैं और सभी को यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उनको उनके मोबाइल वापस किए गए हैं। सभी के चेहरे पे खुशी है कि उनके मोबाइल वापस मिले गए। यूपी के कौशाम्बी जिले में घर में घुसकर अकेले महिला से युवक ने रेप की कोशिश की है और महिला ने सेल्फ डिफेंस में युवक का गुप्तांग काटकर उसको शरीर से अलग कर दिया है, जिसके बाद आरोपी युवक की हालत काफी नाजुक बताई गई है। साथ ही आरोपी के परिजनों ने आरोपी युवक को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि घटना की सूचना के बाद पुलिस महिला के घर पहुंची और पुलिस ने खून से सने चद्दर और छुरी को फिलहाल अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही मामले में पुलिस की कार्रवाई भी अब सवालों के घेरे में है। फिलहाल महिला का बयान दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने पीड़ित महिला के खिलाफ ही केस दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। देखिए, कल दिनांक 14 नवंबर को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मंजनपुर क्षेत्र के ग्राम शरीफपुर में एक पुरुष का उसकी पड़ोसी महिला से वाद विवाद होने के कारण महिला द्वारा उसका गुप्तांग काट दिया गया था। तत्काल सूचना प्राप्त होती तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घायल को आवश्यक चिकित्सीय सहायता के लिए जिला अस्पताल मंजनपुर ले जाया गया, जहाँ उसे प्रयागराज रेफर किया गया। घायल के पिता की तहरीर के आधार पर थाना मंजनपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां नंदग्राम इलाके में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको लेकर निर्माण कार्य के पास से निर्माण में लगे मजदूरों ने अपनी झुग्गियां बना रखी है, जहां एक झुग्गी में अचानक आग लग गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता आग ने कई झुग्गियों को अपने चपेट में ले लिया है। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। वहीं आग किन कारणों से लगी है इसकी जाँच की जा रही है। फिरोजाबाद के अपराध पर अंकुश लगाने और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और एसओजी टीम थाना रामगढ़ क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने दो व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया तो अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर ही फायर करते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की घेराबंदी और जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लग गई है, जिससे अभियुक्त घायल हो गया है और पुलिस ने साथ ही अभियुक्त को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असलहा और कारतूस बरामद किया है। बॉडी मिली थी कन्हैया नाम के लड़के की, उसमें जो है अभियोग पंजीकृत किया गया था हत्या का। उसमें आज ही पीसी हुई थी, आज दो लोग जो उसमें मुख्य अभियुक्त थे वो लोग भागे हुए थे। आज सूचना मिली थाना रामगढ़ पुलिस को कि दो अभियुक्त उसके अवधेश और कमलेश जो है अपने गांव से निकलने वाले हैं। इसकी जो है घेराबंदी की गई, ये चनौरा पुल के पास जो है दोनों व्यक्तियों की घेराबंदी की गई। इसमें से जो है उनके द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग के जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति कमलेश को जो है पैर में गोली लगी है, दूसरा व्यक्ति जो है यहाँ से भाग। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।